प्रणाम इलायची जी, आपने हमें इस ब्रिज के नीचे क्यों बुलाया? अगली बार आईफिल टावर के नीचे बुला लूंगी। खैर अभी सब छोड़िए, ये बताइए कि इस समय हम बिजनेस गर्ल इलायची जी से बात कर रहे हैं या फिर स्कूल गर्ल इलायची जी से, जिनका काम है हमेशा हमारा उल्लू काटना। जब तक जीजा जी बोलेंगे एक स्कूल गर्ल सुनेगी, और जैसे एक सेल्स मैन बोलेगा ना वैसे ही बिजनेस गर्ल इलायची सुनेगी जी। बताइए आपने हमें इधर किस लिए बुलाया? तेरे लिए एक जॉब का ऑफर है। अच्छा, तो हम बिजनेस गर्ल इलायची जी से बात कर रहे हैं जो स्कूल गर्ल इलायची जी के बेस में हमसे बात कर रहे हैं। बताइए इलायची जी, कौन हमें जॉब ऑफर दे रहा है? बिल गेट्स दे रहा है। अरे यहाँ मैं तेरे सामने खड़ी तो मैं ही दूंगी ना यार, और कौन देगा यार? वीना, देख मुझे दुकान में एक लौंडे की जरूरत है सेल्समैन के लिए, और तनख्वाह है 5,000 रुपए। इलायची जी हमें क्षमा करें लेकिन हम ये जॉब ऑफर स्वीकार नहीं कर सकते, धन्यवाद। 7,000। इलायची जी हम सेठ जी के यहाँ पर काम करते हैं, धन्यवाद। 10,000। इलायची जी हमारे असूलों के खिलाफ है, धन्यवाद। उफ, तेरे उसूल, तेरे आदर्श। अरे इन उसूल और आदर्शों को गूंद कर दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तुझे। देख मुझे देख, आज मैं वही हूं और तू भी वही है, लेकिन आज मेरे पास शानदार बिजनेस है, और तेरे पास क्या है? हाँ, हमारे पास सेठ जी हैं इलायची जी, और अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा लग गया कि हम आपके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो वो हमारी बैंड बजा देंगे, और उसके बाद हमें और हमारी बीवी को घर और नौकरी दोनों जगह से निकाल देंगे, इसीलिए धन्यवाद इलायची जी। 15,000। ठीक है इलायची जी, 15,000 में तो हमारा गुजारा हो जाएगा, 10,000 हमारा रेंट हो जाएगा, 5,000। हाँ सुनो, ठीक है इलायची जी, अगर देखो हमने दूसरे लौंडे को रख लिया है तो नहीं चाहिए। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। बहुत बेवफाई के गाने गा रही है तू, है? कौन हो गया बेवफा? कत्ल करके पूछते हैं कि कातिल कौन है। सुन, ज्यादा मर्दा गालिब बनने की कोशिश मत कर, ये तुम दोनों माँ बेटी का चल क्या रहा है? क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है ये? चल क्या रही है? क्या चल रही है? क्या चल रही है? हाँ पूछो क्या चल रही है। मैंने सुना है कल तुम दोनों जो है मिलके एक लहंगे की दुकान खोल रहे हो। हाँ खोल रहे। अच्छा, बिजनेस को तुम दोनों ने घर की जो है पंचायत समझ रखा है। इतना आसान ना है बिजनेस करना। देख बिजनेस में मेरे बाल उड़ गए, ये देख ले। बात कर रही है बेकार की। बोल लिया या और बोलना बाकी है? मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना है। एक बार बता, ये तुम दोनों माँ बेटी जो है ये बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से ला रहे हो? है मैंने अपने गहने गिरवी रख के दिए पैसे। क्या तूने मेरे गहने गिरवी रख दिए? ज्यादा चिचिया हो मत इलायची के पापा, मैंने अपने माँ के कंगन गिरवी रखे। इसने तो कर लिया बिजनेस। हेलो 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 हेलो। अबे ओ ललित अंकल, यार यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। तो दोस्तों आज के इस ऐतिहासिक दिन पर मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और ये बात बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इलायची ने वो काम करके दिखाया है जो लाखों लड़कियों में कोई एक ही कर पाती है। तालिया! वाह! वाह!
छोटे बहुत उछल लिया है। पता नहीं सेठ जी। और इलायची ने अपने पिता के साथ बगावत करके उनकी नाक के सामने लहंगे की दुकान खोली है। मैं इलायची के जज्बे को सलाम करता हूं और साथ ही साथ मुरारी अंकल को ढेर सारी लानतें भेजता हूं। ये सब इन्हीं की परवरिश का नतीजा है जो भुगत रहे हैं। क्या बात है, तालियों भाई, तालियां। और अब मैं माननीय करुणा आंटी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और दो लफ्ज कहें और इसी के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मुझे शर्म आती है। अरे यार मम्मी, अभी शर्माने का वक्त नहीं है, बल्कि अभी तो राइवल्स के सामने ना शेरनी की तरह दहाड़ मारने का वक्त है, मतलब ललकारने का वक्त है। चलो चल जी। ये दोनों माँ बेटी में क्या कपड़ा पंचायत चल रही है? सेठ जी हमें क्या पता, हम भी तो आप ही के साथ गद्दे पे लेटे हुए हैं। गद्दे पे लेटे ना है, गद्दे पे पड़े हुए हैं। भाइयों और बहनों। सेठ जी आंटी जी आपको भाई कह रही है। क्या बकवास कर रहा है, मैं अकेला हूँ यहाँ, और भी तो लोग हैं। करेगी करेगी। मैं क्या कहूँ? देखो यहाँ भी पिन्ना गई कमबख्त। मैं तो कहूँगी कि यार मम्मी, खुशी का मौका है, क्या कर रही हो? अरे तो ये भी तो खुशी के आंसू है ना लाइची। क्या बात है सटानी, तालियां तालियां। वो आंसू जो नजर ही ना आ रहे हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी दुकान का इनॉग्रेशन करने के लिए जो महान हस्ती आने वाली है, उसको देखने के बाद कुछ लोग के तो तोते ही उड़ जाएंगे। बोल तो ऐसे रही है, सलमान खान को बुला दिया फीता काटने के लिए। सेठ जी लाइसी जी के लिए ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप सब लोग अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वो अजीम शख्सियत कभी भी मतलब किसी भी पल हमारे बीच हो सकती है, आ सकती है। अरे अमित जी आ रहे हैं। बच्चन जी आ गए क्या? अरे अमित जी, अरे अमित जी, हट जा, 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 हट जा। सेठ जी हमने आपसे कहा था ना कि इलायची जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे अमित जी को कैसे बुलवा लिया यहाँ? अब सेठ जी हमें क्या पता। आइए आइए अमित भैया, कैसे हैं आप? करो ना भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन अमित भैया मैं आपसे नाराज हूँ, आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? नाराज? भाई बात दरअसल ये है कि नाराज तो हम थे, हमने तुम्हें चार लड़कों के ऑप्शन दिए थे, लेकिन आपने चारों में से किसी एक को भी लॉक नहीं किया। बहुत बहुत नाराज हूँ मैं। क्या बताओ अमित भैया, अब मुझे ना एक बहुत ही लालची और सरफिरे इंसान ने फंसा लिया था। सेठ जी शैतानी जी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तेरी तरफ। करूँ एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में थी, सुना है भाई तुमने एक बहुत ही घटिया लीचड़ आदमी से शादी कर ली है। अमित जी आप कितनी भी हमें गाली दे दीजिए, लेकिन हमें बुरा ना लगेगा। करुणा ये कौन है भेड़ंगा आदमी जो इस तरह से बात करता है? अरे अरे याद कीजिए, 1980 का वो दिन जब आप अस्पताल में थे, पूरा भारत आपको खून देने आ रहा था, उसमें तो मैं भी एक था। तो कितने रुपए लीटर बेचा तुमने अपना खून? है अमित जी खून ना बेचा, मैं तो आपको खून देने आया था। खून देने आए थे, माफ करना कि आप खून देने वाली पार्टी नहीं लग रहा है मुझे।
आप तो खून लेने वाली पार्टी लग रहा है, माफ की जगह हमें। देखिए अमित जी, आप जो भी गए लेकिन हम आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं। फैन हैं आप हमारे, माफ कीजिएगा, ये हमारे फैन हैं। तो एक काम कीजिए, हमारे बंगले पे आ जाइए और हमारी छत जे पे लग जाइए, हम ठंडी ठंडी हवा खा लेंगे। नहीं आप समझे नहीं अमित जी, मैं आपका बहुत बड़ा वाला भक्त हूँ। भक्त भक्त है आप हमारे भाई, माफ कीजिएगा, ये हमारे भक्त हैं। तो चढ़ावाई के लिए 2-4 लाख रुपए दे दीजिए, हम ले लेंगे। देखिए अमित जी, आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ है? तुमने कौन सा गद्दों का हाथ हमारे हाथ में दे दिया जो हम आपसे मजाक करेंगे भाई? अमित जी आप गद्दों को कैसे जानते हैं? छटंगी है ना, उसने हमें बताया कि उसके हाथ में आपने कद्दू का हाथ नहीं दिया। मैं बहुत बुरा लगा भाई। हाँ अरे वो छटंगी एक नंबर का लफंगा और एक नंबर का चिकन आदमी है बिल्कुल। छटंगी को लीचा बोलना मत समझा, लीचा बोलेगा तो भून के रख देगा तेरे को। हाँ अहमद मामा जी इग्नोर करिए इन्हें प्लीज, और आप हमारे राइवल से क्यों बात कर रहे? छोड़िए, चले दीजिए ना। सर जी ये अमित जी ने तो आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। नहीं अमित जी ने बेइज्जती की है ना, तो वो बेइज्जती नहीं है। अच्छा समझ रहा, फिर ठीक है। तो भाइयों और प्यारी बहनों, मैंने अपने हाथों से अपनी माँ के लिए कविता लिखी है। तेरी उंगली पकड़ कर चलते चलते ना जाने कब बड़ी हो गई, अभी तो तेरे आंचल में छुपी रहती थी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। क्या बात है, 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 क्या बात है। जब भी लाइफ में होते हैं टंटे, तेरा प्यार मुझे बचा लेता है, वो मेरी बड़ी से बड़ी गलती उसे वो बचा लेता है। तू बहुत ही भोली, बहुत ही सीधी है मेरी माँ, तेरा दिल बहुत जज्बाती है, इसलिए तो ये इलायची तुझे पापा की करतूते बताने से कतराती है। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। आगे भी, आगे भी, आगे भी है। सुनाओ। मैं नहीं बताती तुझे कि पापा दुकान पर लेडी ग्राहकों के साथ क्या गुल खिलाते हैं। मैं नहीं बताती तुझे कि पापा कैसे दुकान में लेडी ग्राहकों का लहंगे दिखाने के बहाने हाथ पकड़ के दबाते हैं। ची 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 ची। अरे तो माँ के लिए कविता बोल रही है या अपने बाप की इज्जत की बैंड बजा रही है? बात करिए बेकार की। मैं किसी की इज्जत का बैंड नहीं बजा रही हूँ, वो तो मेरी माँ के लिए मेरा प्यार है, मेरे जज्बात है जो कविता के जरिए उड़ेल रही हूँ मैं। जज्बात ना है, बकवास है ये, बकवास। हाँ हाँ आपको तो मेरी हर एक बात से नफरत है ना, किसी दिन तो ये भी कह दोगे कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अरे खींच के लपर मारूंगा तेरे गाल पे अगर दोबारा ऐसी बात जबान पे लाई तो। वेरी गुड टू सी यू सर। हाँ हाँ ठीक है, ओरिजिनल है, जाओ ना सर। बाबा क्या कर रहे हो भाई? प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई, प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया फैन। वेरी गुड, वेरी गुड जी। वो अमित जी हम संगीतकार हैं, आपकी फिल्म में कोई गाना वगैरह हो तो बताएंगे, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा हम आपको जरूर बुलाएंगे। जी जी वेरी गुड, अच्छे लड़के हैं आप। गुड, और अच्छा होगा। मामा जी। हाँ जी अमित मामा जी, जिस काम के आते वो के लिए चलिए चलिए। हाँ चलिए भैया, लाइए लाइए जल्दी लाइए, हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम कम होता है हमारे पास। ये लीजिए लीजिए ये लीजिए। 1 2 3 हाँ अरे क्या कह रही है, दादाजी गुजर गए? अच्छा अच्छा अच्छा, दादाजी गुजर गए। अच्छा तो क्या घर के सारे लोगों का मुंडन होना है? सारे का क्या मतलब? अरे मैं ये कह रहा हूँ, सारे का क्या मतलब, घर के औरतों का भी होना है क्या? अच्छा अच्छा तो ऐसा बोलना है, तू ऐसे बोलिया सारे लोगों का मतलब औरतों का भी होना है मुझे लगा। अच्छा सुन, एक मुंडन के 500 रुपए होंगे, हैं?
अरे सोने के उस्तरे से ना बनाऊंगा, लोहे के उस्तरे से बनाऊंगा, लेकिन यही रेट है भैया। अरे मेरी बात ही ना समझ रहे, 500 रुपए पर मुंडन के बहुत पहले से है। और तो और मेरे दादाजी गुजर गए थे एक बार, अरे सुन तो ले पूरी बात सुन ले, मेरे पिताजी से 500 रुपए रखवा लिए थे भाई। ना ये घर घर का कुछ नहीं, स्वार्थी की क्या बात है, मैं स्वार्थी कैसे हो गया। अरे ये धंधे के प्रति मेरी सीरियसता है, समझ ही ना रहा, सीरियसनेस दोनों नहीं समझ रहा। दाढ़ी बना दे। हाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ सुन, अरे अब कस्टमर आ गए खून मत पी, अब 500 रुपए से कम ना हो पाएगा, सबके लिए सेम है। हाँ रख रख फोन अभी रख। हाँ बताओ। और भाई जम क्या कर दूं, फेशियल मसाज या ब्लीच। अबे चुप गलीच, सिर्फ दाढ़ी खींच। मैंने खींचा कहाँ चीज, तो हो जाएगी भाई साहब, लेकिन तमीज में बात करो। क्यों क्यों, क्या कहीं का दादा है ना। मैं दादा वादा कुछ ना हो रहा, लेकिन बड़े बड़े दादा यहाँ आके ठीक हो गए, बड़े बड़े दादाओं को मैंने ढीला कर दिया है। पैर नीचे कर, कौन है बेतू। अरे अरे भाई कैसे बात कर रहा है। अरे भाई साहब मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ। अबे तू आदमी है, आदमी के पजामे में रहे, नहीं ये जो बड़ी बड़ी जुल्फे लेके आया टकला करके भेजूंगा यहाँ से। कैसे बात कर रहा है। कूल कूल कूल, दाढ़ी बना दो बस। तो ये है वो जेके स्मगलर कहीं का। अब देखता हूं पिंकी जी से बच के चाहता कहां है। एक्सक्यूज मी, आउच भाई मैं मर गई। सुनो भैया, आप ये सिर्फ जेंट्स की बाल बनाते हो या लेडीज की भी बना लेते हो। नहीं फीमेल की भी बनाता हूँ, आप बताएं। मतलब लेडीज तो मैं बढ़िया कटिंग मस्त करता हूँ, आप बताएं मतलब किस टाइप की स्टाइल आपको चाहिए। दीपिका टाइप, कटरीना टाइप या करीना, या आपका कुछ मन का हो वो भी कर दूंगा। मर मुए, मुझे तो अपने डॉगी के बाल कटवाने थे, फीमेल है वो इसलिए पूछा मैंने। हो हेलो, क्या है। हाँ बिल गेट्स के बच्चों ने कभी कड़की नहीं देखी, ऐसे क्या घूर रहा है मुए, कभी लड़की नहीं देखी। ना जाने क्यों मुझसे अक्सर मेरी मोहब्बत दूर रही है, मैं ही तो तुझे नहीं घूर रहा, तू भी तो मुझे घूर रही है। ओहो समोसे के अंदर आलू है रे, ओ माय गॉड तू तो बहुत चालू है रे, आउच हाय मैं मर गई। तेरी आंखों में चाहत का माल है, तू तो एकदम सही माल है, आई लव योर ब्यूटी बेबी। हाय अच्छा तो मैं चलती हूँ। फिर कब मिलोगी। जब तुम कहोगे। कहाँ। वहाँ जहाँ कोई आता जाता नहीं, वीराने में। ओके बाय। बच्चे वेट कर रहे होंगे घर पे, बाय। आई लव हर ब्यूटी। अरे बोल तो गई है वीराने में मिलेगी, दुकान में क्यों चिल्ला रही है, मुंह बंद कर। कमाल है, लड़की की दुकान के आगे औरतें तो ऐसे लाइन लगाए खड़ी हैं जैसे लहंगे की दुकान पे ना राशन की लाइन में लगी हूं। क्या हो गया है दिल्ली की औरतों को, सबके सर पे लहंगे पहनने का भूत सवार हो गया है क्या। सेठ जी एकता है। कौन वो सीरियल वाली। नहीं सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर दिल्ली की सारी औरतों को लहंगे पहनने का भूत सवार हुआ है तो हम कौन सा रतालू बेचने के धंधे में है, हम भी तो लहंगे बेचते हैं, तो क्यों कोई लड़की हमारी दुकान से लहंगा नहीं ले रही बताइए। अब इतना ही बक दिया तो तू ही बता दे क्यों ना आ रही है मेरी दुकान पे लहंगा लेने। क्योंकि सेठ जी सारी औरतों ने प्रण किया है कि वो करुणा 421 की दुकान से ही लहंगे लेंगी। पूछे क्यों, क्योंकि वो एक औरत चलाती है ना कि एक खड़ूस घटिया आदमी। क्या बकवास कर रहा तू। आप सेठ जी ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वो मन ही मन कह रही है। अच्छा तो ये पता है कि मन ही मन औरतें क्या कह रही हैं। सेठ जी ऐसा कह सकते हैं। अच्छा
तो मेरे मन की बात पढ़ के बता कि मेरे मन में क्या चल रहा है अभी। सेठ जी आप इस समय हमें गाली दे रहे हैं। अरे वाह, तू तो मन की बात पढ़ लेता है। धन्यवाद सेठ जी। वाह क्या बात है। हाँ टेंशन मत लीजिए, सबकी बारी आएगी। हाँ आराम से आराम से। मिस्टर आर के गुप्ता, सेठ जी आप ये बंसल थे ना रातों रात, गुप्ता कैसे बन गए? चुप लड़की, मुझे आर के गुप्ता कहकर क्यों बुला रही है तू? क्योंकि तुम्हारा नाम आर के गुप्ता है। वही आर के गुप्ता जो एक मासूम औरत को माँ बनाकर दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देता है, और मैं उसी बदनसीब माँ की बेटी हूँ। सिर जी ये क्या खेल कर दिया आपने? क्या बकवास कर रही है तू? मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ आरके गुप्ता। एक बात बता, तू मुझे आरके गुप्ता क्या क्या क्यों बुला रही है? मेरा नाम तो मुरारी लाल बंसल है। हाँ तो नाम में क्या रखा है, मुरारी हो या बिहारी? आप ये बात आपने बहुत अच्छी कही इलायची जी। तू चुप कर असरानी। असरानी इलायची जी हमारा नाम पंचम है। अरे तूने तो अभी हाँ में हाँ मिलाई ना कि नाम में क्या रखा हुआ है, चुप कर अब। अरे सर लड़की यहाँ क्यों आ गई, अपनी दुकान पे जाके लेंगे, यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ तुम्हारी दुकान खरीदने आई हूँ आर के गुप्ता। क्या कहा तूने? मैंने कहा मैं यहाँ तुम्हारी दुकान खरीदने आई हूँ आर के गुप्ता।